नमस्कार दोस्तों, मैं हिना स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट आई में। आज हम आए हैं सिरसा शहर में और बातचीत करने वाले हैं वहाँ के रहने वालों से। नमस्कार, मेरा नाम वंदना है, मैं ब्लॉक पीपली जिला कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ। आप कुरुक्षेत्र से हैं लेकिन आप यहाँ सिरसा में कैसे? मैं यहाँ से स्टडी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर में आई हूँ और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि मीडिया ने यहाँ पे बहुत कुछ फैलाया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी लड़कियाँ सेफ हैं और जो भी यहाँ पे मतलब कि शिक्षा मिलती है वो बाहर नहीं मिलती। आपने कहा कि आप यहाँ डेरा की संस्थाओं के अंडर चल रहे कॉलेज में स्टडी कर रही हैं BSc की, तो कैसा है यहाँ का स्कूल, कैसी है यहाँ शिक्षण प्रणाली या कैसा आपको सिखाया जाता है यहाँ? यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, पढ़ाई के मामले में कॉलेज सबसे टॉप है और वैसे भी टीचर भी सब बहुत अच्छे हैं, जो भी मतलब कि किसी को पर्सनल प्रॉब्लम हो वो भी शेयर करते हैं और वैसे भी वार्डन मैम भी सब भी बहुत अच्छे हैं। आपने कहा कि एक परिवार की तरह यहाँ आप रहती हैं, यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं, तो हमें बताइए कि लड़कियों की सुरक्षा कैसी है यहाँ पर, कितनी सुरक्षित हैं लड़कियाँ? यहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, बाहर तो आजकल वैसे पता ही है कि बाहर निकलते हैं तो कुछ कोई कुछ बोल देता है लेकिन कोई कुछ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे लड़कियों की सेफ्टी है घर से भी ज़्यादा अच्छी सेफ्टी है। आपका कहना है कि यहाँ लड़कियों की सेफ्टी बहुत है क्योंकि आपने खुद यहाँ सेफ्टी को महसूस किया है। आप हमें बताइए कि डेरा सच्चा सौदा में आपने क्या देखा है, क्या पाया है कि कैसी है ये संस्था, क्या सिखाया जाता है यहाँ पर? सभी से अच्छे से बात करना और वैसे भी जैसे कि यहाँ पे मानवता भलाई के कार्य है और दूसरों की सेवा करना और कोई भी मतलब कि वैसा भी काम हो, सारी बातें अच्छी हैं यहाँ पे। आपने कहा कि डेरा सच्चा सौदा एक बहुत ही अच्छी संस्था है, अंत में आप हमें बताइए कि आज आपको कितना एक विश्वास है अपने गुरु पर? यहाँ पे हमें बहुत विश्वास है क्योंकि बचपन से ही हमारे पापा मम्मी सभी यहाँ से जुड़े हुए हैं और हम भी बचपन से ही यहाँ से जुड़े हैं, लेकिन मीडिया ने जो भी कुछ फैलाया है वो सब बिल्कुल झूठ है और हम ना यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और आगे भी आते रहेंगे और जाते हैं। इनका कहना है कि ये आगे भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहेंगे और यहीं आते रहेंगे, तो डेरा सच्चा सौदा के प्रति इनका जो अथाह विश्वास है वही बयां कर रहा है कि डेरा सच्चा सौदा कितनी पाक संस्था है। तो डेरा सच्चा सौदा के बारे में और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।